वालेकुम सलाम। मेरा नाम शमसुल हक सेठी है और मेरे वालिद का नाम जियाउल हक सेठी है। जियाउल हक सेठी। और मेरा तलक लिवरपूल जमात से है। कहाँ के? लिवरपूल। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि कुरान मजीद में पहले सपारे की 45वीं आयत जिसमें बनी इसराइल का जिक्र आ रहा है, वहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो, तो पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि नमाज कायम करना और ज़कात ये इस्लाम की बेसत के बाद हुआ या बनी इसराइल में भी ये बात थी? नमाज को कायम करना और ज़कात देना ये तो बनी इसराइल में भी रिवाज था, नहीं यहूद में भी था। वो अपने रंग में नमाज पढ़ते थे और ज़कात भी देते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से भी बचपन में यह दावा था कि मुझे खुदा तआला ने हुक्म दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूँ मैं ज़कात भी दूँ। बनी इसराइल की नमाज किस तरह की थी, क्योंकि नमाज के बाद में अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाया किस तरह पढ़नी है? नहीं, हर एक की इबादत का एक तरीक होता है। नमाज ज़रूरी तो नहीं कि जमा मुसलमानों की तरह पढ़ी जाए, उनकी अपने इबादत का रंग है, ईसाइयों का अपने इबादत का रंग है।